नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर लिसनिंग टू अमन रावत ऑन योर पहाड़ी ब्रदर्स ऑफिशियल चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, पहाड़ी ब्रदर्स आपको ओलंपिक से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट देते रहते हैं। तो आज का समय है डे 8 फुल रिजल्ट्स ऑफ टीम इंडिया जानने का। तो आज दोस्तों कैसा रहा दिन? आज मनु भाकर का क्वालिफिकेशन था, आज हमारी आर्चरी टीम के लिए एक बहुत बड़े बड़े मैचेस थे और हमारी स्कीट वुमेन्स में भी गेम प्ले चला, गोल्फ का मैच, सेलिंग का मैच, ये सारी अपडेट आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो अंत तक देखना और सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन की तरफ लेकर चलते हैं क्योंकि वहां पर आपको डिटेल ज़्यादा समझ में आएगी। तो आज गोल्फ का मैच शुरू हुआ, मेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले राउंड 3 और एक और राउंड चलेगा। यहाँ पे गगनजीत भुलार और शुभांकर शर्मा की रैंक अभी तक ज़्यादा अच्छी नहीं हुई हो पाई क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ चल रहा है। शूटिंग की बात करें तो अनंतजीत सिंह नरूका अभी 24th रैंक के साथ चल रहे हैं और इनका भी रैंक काफ़ी अच्छा नहीं है, क्वालिफाई सिर्फ 6 करेंगे। स्कीट मेंस क्वालिफिकेशन डे 2। फिर दोस्तों शूटिंग में स्कीट वुमेंस क्वालिफिकेशन, जहां पर महेश्वरी चौहान ने काफ़ी अच्छा खेला है आज के दिन और 8th रैंक पे चल रही हैं। वहीं रायजा धिलों उतना अच्छा नहीं खेल पाई जिसकी वजह से इनकी रैंक 25 पे चल रही है। शूटिंग की बात करें 25 मीटर पिस्टल वुमेंस फाइनल, आज एक गोल्ड मेडल मैच था, आज हमने गोल्ड मेडल मिस कर दिया। 1 बजे ये शुरू हुआ था, मनु भाकर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जान लगा दी भारत को एक और मेडल देने के लिए, पर वेरोनिका से यहाँ पर शूट ऑफ हुआ था मनु भाकर का और हम उस शूट ऑफ में बाहर हो गए। 4th रैंक आई है मनु भाकर की, जो भारत के लिए एक बड़ी बात है। फिर बात करते हैं आर्चरी वुमेंस इंडिविजुअल, दीपिका कुमारी और मिशेल कॉर्पन का मैच था, इंडिया वर्सेस जर्मनी। यहाँ पर दीपिका जी ने एलिमिनेशन राउंड को क्लियर किया और आगे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। फिर दोस्तों भजन कौर और दियानंदा का मैच था, इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया, ये भी एलिमिनेशन राउंड था। सबको लग रहा था कि भजन कौर जीत जाएंगी, बट दियानंदा ने अच्छा परफॉर्म किया, वो जीत गई। बहुत ही नेक टू नेक मैच चल रहा था, शूट ऑफ तक गेम गया था, हमने 8 मारा, दियानंदा ने 9 और वो जीत गई। 5-6 के शानदार स्कोर के साथ ये मैच भारत के लिए ख़राब रहा बट इंडोनेशिया के लिए अच्छा। सेलिंग वुमेंस डिंगी की बात करें तो यहाँ पर नेत्रा जी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई आज के दिन। फिर उसके बाद दोस्तों मेंस डिंगी की बात करें तो यहाँ पर विष्णु भाई भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आर्चरी की बात करें तो वुमेंस इंडिविजुअल की बात करते हैं, दीपिका कुमारी और नाम श्योम, ये मैच बहुत ही रोमांचक रहा। दीपिका जी के 6 और 7 की वजह से थोड़ा सा निराशा हुई बट दीपिका जी ने ओवरऑल अच्छा खेला, 2 पॉइंट्स अगर वो बेहतर लेती तो आज शायद वो सेमीफाइनल में होती, बट कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ पर बॉक्सिंग का एक मैच बचा है दोस्तों, इसका रिजल्ट हम लोग आपको लेट में ही दे पाएंगे, निशान देव वर्सेस मार्को एलेंसो। यहाँ पर भारत का एक ब्रॉन्ज मेडल आ सकता है अगर आज हम जीत गए, क्योंकि सेमीफाइनल में अगर हारते भी हैं तो बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिलता है दोनों खिलाड़ियों को, और अगर जीत गए तो भाई वो सिल्वर कन्फर्म होगा। तो आज के लिए अपडेट ये है, निशान देव अगर मैच जीतेगा तो ब्रॉन्ज मेडल कन्फर्म हो जाएगा। तो होप सो कि आज निशान देव का ये मैच भारत के हित में जाए, तभी भारत को और पहाड़ी आर्मी को और स्पोर्ट्स लवर्स को नींद आ पाएगी। तो दोस्तों आप लोगों से अब अलविदा लेने का समय आ चुका है, यही हमारा काम है कि आप सबको रखें स्पोर्ट्स में सबसे आगे। तो आज की ये अपडेट आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। स्केड्यूल हम डाल चुके हैं आपको, यहाँ पर हम पिन भी कर देंगे, तो उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखें। जय हिंद जय भारत। पहाड़ी ब्रदर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। लव यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।